करेंगे एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5C, ओके। तो इसमें क्या है, आज आपको आप इक्विलेंट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलेंट, इक्विलेंट से ही समझ आ रहा है, इक्वल उसमें ऐड है। इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर, उसके इक्वल, उसके एक जैसा। तो इक्विलेंट का मीनिंग यहाँ क्या होगा, उसके जैसा, उसके समांतर। तो आपको फाइंड आउट करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें एक पार्ट है या फोर पार्ट ही करना, राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द, आपको पूरे 5 फ्रैक्शंस लिखने हैं उसके, जो आपका दिया है उसके इक्वल। जैसे क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट 2/3, इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। सबसे पहला होगा मल्टीपल 2/2, नेक्स्ट होगा 3/3, नेक्स्ट होगा 4/4, नेक्स्ट होगा 5/5, नेक्स्ट होगा 6/6। उसको मल्टीप्लाई कर देना 2/2 से, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, ठीक है। इट मीन्स 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, जब उसको कट करेंगे तो कट हो जाता है। तो कैसे होगा, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे से नीचे, 2 2 4, 3 2 6। ये आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, 3 2 6, 3 3 9, 4 2 8, 4 3 12, 5 2 10, एंड 5 3 15, 6 2 12, एंड 6 3 8, ठीक है। ये आपके 5 फ्रैक्शंस हो गए इक्विवेलेंट। क्या क्या हुए, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, एंड 12/18। आप ऐसे ही करोगे, सीधा डायरेक्ट नहीं लिखोगे। एक और ऑप्शन समझाती हूँ आपको, जैसे मेरे पास है 7/9, अगर आपको इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने, तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट 2/2, 7 2 14, 9 2 18, नेक्स्ट होगा 3/3, 7 3 21, 9 3 27, ओके। नेक्स्ट होगा 4/4, एक और बार आप कंटिन्यू करेंगे 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, बीच का कोई छोड़ेंगे नहीं। 4 7 28, 9 4 36, और अब है 5/5, 7 5 35, 9 5 45, नेक्स्ट होगा 6/6, 7 6 42, 9 6 54। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुए हमारे, 14/28, 21/27, 28×36, 35×45, 42/54, 14/28, 21/27, 28/36, 35/45, 42/54, ओके। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये सोल्व हो गया, नेक्स्ट में भी दिया आपको पेयर दिया हुआ है और बताना है क्या वो इक्विवेलेंट है। दो नंबर दिए, दो फ्रैक्शन दिए, कहते क्या वो इक्विवेलेंट है, तो हम कैसे करेंगे, अगर वो इक्वल होंगे तो इक्विवेलेंट है, अगर इक्वल नहीं होंगे तो इक्विवेलेंट नहीं। फर्स्ट पार्ट 5/6 एंड 20/24, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं? सबसे एक ही तरीका आप सीख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। कल भी बताया था, जब कंपेयरिंग हो या इक्विवेलेंट बताना हो तो कंपेयर सीख लो, ठीक है। ये नंबर है मेरे पास, मुझे कंपेयर करना इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 5 है, पहले 5 लिखो और किससे मल्टीप्लाई करना, 24, ये थोड़ा गैप दे दो, 20×6, 5 4 20, 2 5 2 10, एंड 2 12, 6 2 12, ये इक्वल आया, बिल्कुल यहाँ इक्वल का निशान लगा दिया। तो हम लिखेंगे 5/6 एंड 20/24 इज इक्विलेंट फ्रैक्शन, बस ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है।
देख लेते हैं, 1/3 एंड 9/20। इसमें भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/3 9/24, इसको ये निशान लगा। यहाँ 1 है, पहले 1 लिखो, मल्टीप्लाई 24, थोड़ा गैप दे दीजिए, 9 × 3 24 only 27, not equal, equal को काट दो, not equal का सिंबल बन गया। कैसे लिखेंगे, 1/3 and 9/24 is not, are not, sorry बेटा, are not equivalent fraction. इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करना है, सभी में ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सेम ये बिल्कुल सेम है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आप इनके ज्यादा पार्ट हैं, सभी मत करना, चार चार पार्ट करो, 4-4 पार्ट आप इनके कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of 3/5 having denominator 30 और b पार्ट में न्यूमरेटर इज 30 24। आपने एक इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, हमारे पास सिर्फ डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर नहीं है, तो मेरे पास जीवन क्या है, कौन है, एक मिनट रुको बेटा, ओके बेटा बीच में फोन आ गया था इसलिए। तो मेरे पास जीवन डिनोमिनेटर है 30 और मेरे पास जो जीवन फ्रैक्शन है जिसके इक्विवेलेंट लिखना है, फ्रैक्शन क्या जीवन है मेरे पास 3/5, मुझे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है एक नया, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। जब मैं 30 को इससे 5 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है, व्हेन 30/5 = 6, यही आया ना, 30/5 = 6। तो मैं अगर अब ये 6 आ गया, इस 6 को इसके साथ कर देते हैं, इस नंबर को एक सिंपल तरीके से लिखते हैं, मेरे पास 3/5 है, इसके इक्विवेलेंट है ये नीचे का दिया है, ऊपर का मेरे पास नहीं है, ऊपर का मेरे पास नहीं है, नेक्स्ट स्टेप ये बना लेना, ये बॉक्स बना लेना, आपने पिछली क्लास में पढ़े थे फिल इन द बॉक्स। तो जब मैंने, लेकिन यहां से चेक करना पड़ेगा, ये हमारा नंबर है, ये डिनोमिनेटर दिया है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करके निकालती हूं, क्या आया 6, जैसे 5 6 = 30। अब ये मैंने 30 तो निकाल लिया डिवाइड करके, ये 6 आया, लेकिन इस 6 को 5 6 आता है, यानी कि 5 × 6 = 30। तो यहाँ जब डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखो, इस नंबर यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ क्या करोगे, मल्टीप्लाई, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या करोगे, डिवाइड। दूसरी बात, अगर ये बात आपको याद नहीं रहती है, अब आपने ये ऐसे लिख लिया, अगर आपको ये नहीं याद रहता आप इसको इस तरह से बना लो, तो अब मैंने इसको देखा कि इनमें क्या डिफरेंट है, डिफरेंस क्या है इनमें, डिफरेंस ये है कि ये 5 6 जाए, 5 6 जाए, तो यहाँ जो आएगा वो 3 6 जाएगा, और 3 6 जा क्या होगा, 80, ठीक है, 3 6 जा क्या होगा, 80, तो इससे ऐसे ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसी तरह आप जैसे दिया है 3/5, अब मैं आपको सीधा बना दूँगा, तो अभी मेरे पास न्यूमरेटर दिया है, मेरे पास डिनोमिनेटर नहीं है, उसके लिए मैंने खाली बॉक्स छोड़ दिया। अब मैं इसको चेक करूंगी ये क्या है, 3 8 = 24 है, 3 8 जा, ऊपर वाला क्या है 3 8 जा, तो नीचे वाला भी तो 5 8 जा होगा, 5 8 जा क्या होता है,
ठीक है, उसी तरह देखो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5 अपॉन 8 और डिनोमिनेटर दिया हमें पास 56, सॉरी डिनोमिनेटर दिया 56 और ये मेरे पास नहीं, ये मेरे पास था। इसको चेक करते हैं, 8 7 जा 56, तो 3 7 जा क्या होगा 21। हमने यहां से फाइंड आउट किया कि ये क्या है 8 7 जा, तो ये भी क्या होगा 3 7 जा 21। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह है। सारे इसके देखो, अब हम कर रहे हैं डिवीजन वाले, है ना, या फिर मल्टीप्लाई वाला, 8 जा 7 जा आपने मल्टीप्लाई वाला सीखा। एक और ले लेती हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का है, 6/7 फ्रैक्शन दिया है, इसके इक्विवेलेंट बनाना है और डिनोमिनेटर दिया मेरे को 77, 6/11। अब डिनोमिनेटर नीचे होता है, यहाँ ये बॉक्स खाली है, 11 7 जा, तो यहाँ क्या आएगा 6 7 जा, तो यहाँ क्या आएगा 6 7 जा, ठीक है, इस तरह से आप करोगे। उसके बाद मेरे पास दिया है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30 हैविंग न्यूमरेटर इज 4। अब मेरे पास गिवन फ्रैक्शन है 24/30 और न्यूमरेटर दिया है 4, इसके इक्विवेलेंट मेरे को बना 24/30 इक्वल न्यूमरेटर दिया है और ये मेरे पास नहीं दिया। अब आप ऐसे फाइंड कर रहे थे ना, तो अब उल्टा आ जाओ, 4 6 जा 24, यानी कि 4 और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है ये, तो यहाँ भी ऐसा नंबर हो कि 6 सा, जो ये 6 जा है यहाँ भी आएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ 6 को, नहीं पता ना, तो ये जो 4 6 जा, आपने ये बीच की कड़ी तो निकालने की 6 है, जब आपके उस तरफ आ जाते हैं तो आप इधर वाले नंबर को डिवाइड कर दो, 6 5 सा क्या होता है 30, 30 को डिवाइड कर दो तो ये क्या आया 5, यहाँ 5 आएगा। आपने देखा था जब इधर छोटा नंबर है उधर बड़ा नंबर है तो क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई, अब क्या होगा लेफ्ट साइड में बड़ा नंबर होगा उस साइड में छोटा नंबर होगा, ठीक है, तो हमें ये कर लेना है कि उनके अंदर डिफरेंस क्या है, 4 6 जा 24 है, ये जो 6 जो बीच में कॉमन आ रहा है ये 6 का जो इसमें मेन रोल है उस 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। एक दो एग्जाम्पल और देखो, जैसे 36/48 and denominator is 4, ठीक है, equivalent है ये, तो ये अब इनका क्या difference, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 4 जा 48, यानी कि जो बीच की कड़ी है वो क्या है 12, अब इस 36 को 12 से करूंगी, 12 3 जा, तो यहाँ क्या आएगा जी, इधर बड़ा नंबर है उधर छोटा नंबर है, बीच की कड़ी निकालना और उसको डिवाइड कर देना, इसमें क्या अंतर था, इधर छोटा नंबर था उधर बड़ा नंबर था, आपको बीच वाला फाइंड करके मल्टीप्लाई करना था, और जब लेफ्ट साइड में बड़ा हो तो क्या करना है डिवाइड करना। ओके, नेक्स्ट आ गए आप, तो ये आपके 8 तक सम हो गए, 8 तक ऐसे ही था, अब 9 10 11, 9 में क्या कहता है रिड्यूस द सिंपलेस्ट फॉर्म, नाइन अपॉन फिफ्टी 150 अपॉन 60 21 अपॉन 10 20
35/36, 8/15, 8/11, ये दो सारे ले लिए मैंने, 9 and 10, दो क्वेश्चन है, ये दोनों में ही ये बताना है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि वो जितना कट रहा है उसको काट दो, जितना वो कटना बंद हो जाए वहाँ उसको छोड़ दो। तो 9/15 दोनों 3 की टेबल से कटते हैं यानी कि डिवाइड बाय 3/3, 3 3 9, 3 5 15, अगेन किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके नेक्स्ट 150 160, 10 की टेबल से भी कट रहे हैं, ठीक है, और किससे, 15 की टेबल से भी डिवाइड हो रहे हैं, आप 15 की टेबल से डिवाइड कर दो, 15 10 जा 150, 15 4 जा 60, हो गया। फिर 10 and 4 फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अब ये नहीं कट रहा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके मैं आपको डिवाइड करके सिखा रही हूँ कि सीधा कट आप भूल जाओगे, वो भी सिखाऊंगी। अब जैसे ये है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 21/10, दोनों सेम टेबल से हो रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं हो रहे, ये 3 की में आता है, ये 2 की में आता है, अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये खुद ही इसके सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। 25/36, अब 25 तो 5 की में आ जाता है, 36 6 की में आता है, तो ये भी डिवाइड नहीं होते, आप लिख सकते हो इज नॉट डिवाइड सेम नंबर, सो दिस इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म। उसी तरह 8/15, 8 तो 2 से हो रहा है, 15 3 से हो रहा है, लेकिन हमें सेम नंबर से करना होता है, इज नॉट डिवाइड विद सेम नंबर, सो 8/15 इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म, सेम केस इसमें रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट वन कंपेयरिंग, जो अभी सिखाया फिलिप्स, मैंने उसी से रिलेटेड आपको सिखाया कि आपको एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन हो जाए, कभी भूलो नहीं, देखो बॉक्स की वैल्यू, रिप्लेस द बॉक्स एंड करेक्ट नंबर, ये जो दिया है बॉक्स इसमें वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अभी के अभी इसी तरह का मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, ये मैंने आपको नंबर 5 से स्टार्ट हो गए थे इस तरह के। अब वही देखना है, देखो 2.7 इधर बड़ा इधर छोटा है ना, तो क्या करोगे 2 4 जा, ये मैंने चेक कर लिया, तो जब इधर छोटा उधर बड़ा तो क्या करते हो मल्टीप्लाई, 7 4 जा क्या होगा, ये रफ वर्क है बेटा, ये आपके समझने के लिए, ये आपको नहीं करना, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो एक स्टेप बना के, लेकिन इसमें दूसरा पेन या पेंसिल यूज कर लेना, हाईलाइट कर लेना, 7 4 जा 28 आंसर। अब देखो इधर आते हैं, पहले 5/8, 5 4 जा 20, 5 4 जा, बीच की कड़ी क्या आई 4 जा, तो यानी कि उधर बड़ा और इधर छोटा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 4 जा क्या होगा 32, इसको हाईलाइट करो ना अगर इसको बीच में रखना है तो, अब इधर बड़ा है उधर छोटा है, इसमें इधर बड़ा है उधर छोटा है, सिर्फ हम पहले बीच की कड़ी निकालेंगे, क्या है बीच की दूरी 7 8 जा 56, जब ये 8 जा आया तो यहाँ निकालने के लिए क्या करोगे डिवाइड करोगे, 44 रफ में आप 8 से डिवाइड करो, 8 5 जा 40, तो यहाँ क्या आएगा 5, उसी तरह 7 6 जा 42, जो बीच की कड़ी है वो 6 है, तो अब क्या करोगे इसको डिवाइड, 6 9 जा 54, ओके। तो आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5C, ओके, थैंक यू बेटा।